हाय फ्रेंड्स, आज आप लोग से शेयर करना चाह रहा हूँ कि आईएएस ऑफिसर की सैलरी कैसे रहता है, कितना रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आईएएस माने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ये जो एग्ज़ाम होता है हर साल यूपीएससी कंडक्ट किया जाते हैं, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है कंडक्ट किया जाते हैं। इस एग्ज़ाम को लाखों कैंडिडेट जो है अपियर करता है और इसमें सिर्फ और सिर्फ 1000 या 1500 के बीच में हर साल में सक्सेस होते हैं। तो ये क्रेज क्यों इतना बोलने से, यहाँ पे मोटिव ये लेकर आता है सभी जो अपियर करने वाला कैंडिडेट कि लोगों को मदद करने के लिए एक अच्छी प्लेटफॉर्म, कोई गवर्नमेंट यानी सरकारी में अगर कोई भी अगर जॉब बोलने से सबसे पहले बोल सकते हैं ये जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो कंडक्ट करते हैं आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और अन्य ग्रेड ए एंड ग्रेड बी का जो सिलेक्शन किया जाते हैं, ये एग्ज़ाम से कोई भी बनता है वो लोगों को अच्छी तरह से हेल्प किया जा सकता है। यहाँ एक अच्छा प्लेटफॉर्म है तो इसलिए यहाँ पर फॉर्म भर के यहाँ फाइट करके इतना कॉम्पिटिशन में भी लड़कर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनते हैं। तो यहाँ पे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस बनने के बाद में इनकी सैलरी कैसे रहती है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो आईएएस की सैलरी जो है तीन प्रकार के डिवाइड होता है। एक जूनियर ग्रेड का जो है जो स्टार्टिंग में रहते हैं जो ट्रेनिंग और ट्रेनिंग से कुछ 2-3 साल का, उसके बाद में सीनियर और सिलेक्शन ग्रुप, ऐसा कुछ ग्रुप्स है इनका। तो और उसके बाद में सबसे ज़्यादा रहते हैं सेक्रेटरी लेवल में जो भी करते हैं उनका सैलरी रहता है। तो सबसे पहले जो आईएएस बनते हैं उनका ट्रेनिंग से लेकर ट्रेनिंग्स में जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन में उनका 58,100 बेसिक से शुरू होते हैं और इनकी ट्रेनिंग होने के बाद में लगभग बेसिक प्लस डीए एंड टीए एंड कुछ अलावेंस जो भी है उनको मिलाकर 80,000 से ऊपर ही होते हैं इनकी पेमेंट जो है। और उसके बाद में इनकी फैसिलिटीज़ रहते हैं, एक बंगला, बड़ा बंगला मिलते हैं और उसके साथ में एक कुक, खाना बनाने वाला और एक गार्डनर वगैरह जो भी हैं और घर में काम करने वाला और उसकी घर की सिक्योरिटी जो है पुलिस वाला रहते हैं और इसके साथ साथ में इलेक्ट्रिकल और जो है टेलीफोन और डिजिटल इंडिया होने के बाद में उनकी इंटरनेट भी फ्री रहते हैं। और उसके बाद में ये लोग 2 या 4 साल के लिए ये फॉरेन में भी जाके पढ़ सकते हैं, इनके लिए कुछ ऐसा रूल है। और उसके बाद में जो है आईएएस और आईपीएस की जो पेमेंट के बारे में जो 6th पे कमीशन में बहुत अंतर था, इसके बारे में बहुत कुछ डिस्कशन हुआ है और आईएएस आईपीएस के बीच में बहुत डिस्कशन हुआ है। अभी 7th पे कमीशन में ये डिक्लेयर नहीं किया है कि आईएएस और आईपीएस की जो डिफरेंट था, सैलरी का डिफरेंट था वो अभी ये किया कि या 6th पे कमीशन के जैसा थोड़ा बहुत अंतर था वो वैसे ही करके अभी कन्फर्म नहीं है। अगर कन्फर्म होगा तो हम अपडेट करेंगे यहाँ पर। तो और उसके बाद में जो है जो भी ट्राई करते हैं जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस एंड आईआरएस की जो भी जॉब के लिए ट्राई करते हैं वो अच्छे से ट्राई करें और ट्राई करके देश के लिए कुछ करें। जो बनते हैं वो लोगों को कुछ हेल्प करने के लिए और थोड़ा अच्छा संकल्प रख कर और देश को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कीजिए। जय हिंद, जय भारत। फिर आपसे मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, बाय।